गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन के पिता श्याम नारायण शुक्ल का मंगलवार देर रात बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। उन्होंने वाराणसी में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को मणिकर्णिका घाट पर किया गया। श्याम नारायण शुक्ला कई महीनों से बीमार चल रहे थे। भाजपा सांसद रवि किशन ने नम आंखों से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। श्याम नारायण शुक्ला की अंतिम यात्रा बुधवार दोपहर बीएचयू से शुरू होकर मणिकर्णिका घाट पहुंची। मुखाग्नि रवि किशन के भाई राजू शुक्ला ने दी। सांसद रवि किशन ने अपने जीवन में पिता को ही अपना गुरु माना और उनके सिखाए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नया मुकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि यही हमारी दुनिया थे। आज वो साथ नहीं है। मेरा कोई गुरु नहीं था, ना ही मैंने भगवान को देखा है। अध्यात्म से लेकर जीवन जीना पिताजी ने ही मुझे सिखाया। गौरतलब है कि श्याम नारायण शुक्ला का कई दिनों से मुंबई में इलाज चल रहा था। तबीयत में सुधार न होते देख उन्होंने काशी में देह त्यागने की इच्छा जताई थी। इस पर 15 दिन पहले उन्हें वाराणसी लाकर बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।